दिल कर रहा है लेने का, क्योंकि कुछ दिन पहले सबको मार्केट बहुत महंगा लग रहा था, सबको फ्रॉथ लग रहा था, बहुत महंगा है, गिर जाना चाहिए। कोशिश की भी लोगों ने और थोड़ा नीचे भी आया, लेकिन उसने रिवेंज बाइंग करी और फिर वहीं खड़ा हो गया आके, और ये सब कुछ 20-25 दिन के अंदर हो गया। तो सुदीप सर, क्या राय है आपकी मार्केट पे इस समय? मार्केट में नीरज जी, अगर याद होगा आपने एक शो किया था उस टाइम में जब ये सब गिरावट चल रहा था, तब भी हमने मेंटेन किया था कि स्ट्रक्चरली फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, ये इट्स पार फॉर द कोर्स है, ये करेक्शन, ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हाई लेवल्स पे होता है, वही हो रहा है। मेरा व्यू वही है कि मार्केट में डिस्टिंक्टली पॉजिटिव बायस है, और थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी हाई लेवल पे जरूर होगा, इलेक्शन सामने है, ग्लोबल स्थिति बड़ा नाजुक है, बहुत कुछ चल रहा है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, तो वोलेटिलिटी रहेगा, पर बायस पॉजिटिव है और कंटिन्यूअसली मार्केट, इंडियन मार्केट ऊपर चलता जाएगा। दो तीन खास चीज है जिसपे जरूर हमारा ध्यान रहना चाहिए, एक तो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो कि अगले हफ्ते से आना चालू हो जाएगा, और दूसरा मानसून का प्रेडिक्शन और मानसून का प्रोग्रेस, ये ध्यान में रख के, और ऑफकोर्स इसके साथ यूएस इंटरेस्ट ब्याज दर में क्या हो रहा है, कब कटौती हो रहा है, उस पर तो जरूर ध्यान रहेगा, ये तीन चार फैक्टर नजर में रखना पड़ेगा, पर मार्केट ऊपर जाएगा ही, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा बहुत करेक्शन, थोड़ा बहुत टर्बुलेंस, बट ऊपर ही ट्रेजेक्ट्री ऊपर की तरफ ही है। ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि अंदर से बहुत मजबूती ताकत है। गौरांग सर, कुछ कुछ हम लोगों ने देखा, बिजनेस अपडेट्स आए हैं कंपनीज की तरफ से, नंबर तो ठीक दिख रहे हैं बिजनेस अपडेट, तो अर्निंग सीजन भी उम्मीद कर सकते हैं कि बढ़िया जाने वाला है। आपको लगता है मार्केट यहाँ से एक बड़ी उड़ान के लिए थोड़ी तैयारी कर रहा है अपनी? धन्यवाद वाजपेयी जी इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो तैयारी तो काफी समय से हो रही है, और अच्छी बात यह है कि जब भी बाजार नीचे गया वाजपेयी जी, तो जब उभरा तो हमने एक नया सर्वोच्च स्तर बनाया। ये एक मजबूती हम बाजार में देख रहे हैं, और सुदीप भाई ने अभी जो बातें सामने रखी उसके साथ साथ 19 तारीख से पहला चरण चुनाव का शुरू हो जाएगा, 1 जून को समाप्त होगा और 4 जून को इस चुनाव के नतीजे आएंगे। तो उठापटक बहुत हो सकती है नतीजों को लेकर के, जो भी आंकड़े एडवांसेस के भी और डिपॉजिट्स के हमने देखे हैं वित्तीय क्षेत्र के, चाहे वो सरकारी बैंक हो, निजी क्षेत्र की बैंक हो, या फिर कोई अच्छी NBFC मजबूत, तो वो सकारात्मक आए हैं। अगर आप एडवांस टैक्स नंबर्स पर भी नजर डालें तो वो भी काफी अच्छे आए थे। तो इन सब समीकरण को सामने रखते हुए मेरे ख्याल से चौथी तिमाही के नतीजे ज्यादा निराश नहीं करना चाहिए। क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आधार पर शायद एक दो या इधर उधर की बातें हो सकती है अनुमान के मुताबिक, लेकिन अच्छा होगा। और मेरे ख्याल से ये जो नया साल, वित्तीय साल शुरू हुआ 1 अप्रैल से, यहाँ पर भी जो नतीजे आएंगे आने वाले समय में, भविष्य में, वो भी इधर से काफी बेहतर आने का हमारा अनुमान है। अच्छा गौरव सर, चूंकि आपने इलेक्शन का नाम ले लिया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मार्केट ने इलेक्शन आउटकम को डिस्काउंट कर लिया है या अभी सोच रहा है? नंबर्स पे डिबेट चल रही, क्या चल क्या रहा, मार्केट वाले लोग क्या सोच रहे हैं? मैं उम्मीद करता था ये प्रश्न मुझे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपने पूछ ही लिया है। क्योंकि बहुत सारे तर्क लगाए जा रहे हैं बाजार में, कोई 370 की बात कर रहा है, कोई 400 की बात कर रहा है, लेकिन कुछ भी हो वाजपेयी जी, अगर ठीक तरह से आंकड़े आ गए, ठीक तरह से सीटें आ गई और निर्णायक तरीके से एक बहुमत वाली सरकार फिर से बन जाती है, तो जो घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है कि इलेक्शन के पश्चात एक और गहराई वाला बजट हमें देखने मिलेगा, जो काफी प्रोग्रेसिव होगा, ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, डेवलपमेंट को लेकर के होगा, तो उसके चलते मेरे ख्याल से थोड़ी दशा और दिशा बेहतर हो सकती है। मैं, आप भले हमारे कनपट्टी पर बंदूक रखेंगे, लेकिन मैं कोई सीट के बारे में आंकड़ा नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरी विशेषता नहीं है।